कल से अब तक हमारे देश में कोविड-19 के एडिशनल 336 केसेस आए हैं और कुल मिलाकर टोटल कंफर्म केसेस 2301 हैं। अभी तक कोविड-19 से टोटल 56 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ्स जो हैं वो कल रिपोर्ट हुई हैं। अब तक टोटल 157 पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हो भी चुके हैं। इस संबंध में जैसे कि आप सबकी नॉलेज में है, अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले दो दिनों में करीब 647 केसेस 647 कन्फर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं। विचार अंडमान एंड निकोबार, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो हमारे केसेस में बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण एक पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारे केसेस आए उसकी वजह से हुई है। नहीं तो जो हमारे लॉकडाउन के एफर्ट्स थे, जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के एफर्ट्स थे, उससे केसेस तो आ रहे थे लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो जिसकी वजह से फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम सब समझें कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं और इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते समय अगर कहीं पर भी एक भी फेलियर होती है तो हम लोगों को दोबारे से हम पीछे चले जाते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इससे संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग से रिलेटेड एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत हमने स्टेट को सर्वेलेंस, क्लिनिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ आइसोलेशन फैसिलिटीज, क्वारंटाइन, साइकोसोशल केयर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे जितने भी संबंधित एरिया से ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि अब हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, तो फील्ड लेवल पर वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए इन सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में ब्यौरा दिया है। साथ ही आईसीयू केयर और वेंटिलेटर मैनेजमेंट के ऊपर एम्स द्वारा कंटिन्यू ट्रेनिंग्स की जा रही हैं। कोविड-19 से संबंधित जो 11 एम्पावर्ड कमेटी उच्च स्थायी पर बनाई गई थी, वे सभी रिक्वायर्ड अपना एक्शन ले रही हैं और मिनिस्ट्रीज, कंसर्न मिनिस्ट्रीज को अपनी गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही हैं। इसके साथ ही जैसे कि कल आप सबको बताया गया था, भारत सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ट्रैक और ट्रेस से संबंधित एक नई एप्लीकेशन आरोग्य सेतु भी कल लॉन्च की थी। इस एक्ट के द्वारा आप अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर कभी भी आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आते तो इस ऐप के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। मैं आप सबको सूचित करना चाहूंगा कि अब तक 30 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। यह ऐप हमारी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स के लिए एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।